हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीसी एंड्रूज फ्लावर्स इन द एटिक सीरीज के दी ओरिजिन के बारे में। ये एक प्रीक्वल है, इसके आगे के पार्ट्स 2014 में रिलीज हो चुके थे, जिनका एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। लिंक्स मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बात करें पर्टिकुलरली इस सीरीज दी ओरिजिन के बारे में, तो इसके 4 एपिसोड्स हैं जो मैं इस वीक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने अभी तक फ्लावर्स इन द एटिक सीरीज नहीं देखा, वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने देखा है, उन्हें तो मेन स्टोरी पता ही होगा, तो उनके लिए समझना शायद आसान होगा। आज हम ओरिजिन सीरीज के फर्स्ट एपिसोड द मैरिज को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है ओलिविया के लास्ट टेस्टमेंट के साथ। ओलिविया विनफील्ड फॉक्सवर्थ, यानी कि कोरीन की माँ, क्रिस एंड कैथी की नानी और इस कहानी की मेन विलेन, एक ऐसी औरत जिन्होंने अपने ही ग्रैंड चिल्ड्रन को सालों तक एटिक में कैद रखा, उनसे जानवरों से भी बदतर सलूक किया और फिर उन्हें मारने की कोशिश भी की। इतनी बदमाश और कोल्ड हार्टेड थी वो, एक मॉन्स्टर थी, एटलीस्ट उनके करतूतों से तो वही लगता था। मगर असलियत कुछ और भी थी, वो भी बाकियों की तरह एक विक्टिम ही थी इस फॉक्सवर्थ हॉल का। अपने लाइफ टाइम में बहुत कुछ सहना पड़ा उन्हें, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देनी पड़ी जो कभी किसी को पता नहीं चला। बहुत सी अनकही बातें वो जिंदगी भर छुपाती रही, किसी ने कभी उनके नजरिया से उनके जिंदगी को देखने की कोशिश ही नहीं की। तो मरने से पहले उन्होंने अपने लास्ट विल में अपनी वो सारी अनकही बातें छोड़ गई, जिससे लोगों को उनके ट्रू सेल्फ के बारे में पता चले। वो श्योर है पूरी कहानी को जानने के बाद कोई उसे जज नहीं कर पाएगा। उसकी कहानी शुरू होती है 1920 के आसपास, जब वो अपने पिता मिस्टर विनफील्ड के साथ उनका बिजनेस संभालती थी। उस समय के बाकी लड़कियों से बिल्कुल ही अलग थी वो, जिसे मेकअप और अच्छे अच्छे कपड़े की जगह बिजनेस और बुक्स में इंटरेस्ट था। ऐसी इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट लड़की से कौन शादी करेगा। वो बहुत पहले ही सारे होप्स छोड़ चुकी थी, मगर उसके पिता नहीं। एक दिन वो अपने बेटी को वर्जीनिया के एक रिच बिजनेसमैन के बारे में बताते हैं, मिस्टर मैल्कम फॉक्सवर्थ। फॉक्सवर्थ माइनिंग कंपनी का एक लौता वारिस, बिजनेस के सिलसिले में वो आ ही रहे हैं, तो क्यों ना ओलिविया एक बार उनसे मिल ले। पैसा, प्रॉपर्टी, फेम सब कुछ है उसके पास, अच्छे बैकग्राउंड से भी बिलोंग करता है, और क्या चाहिए। ओलिविया अपने पिता को मना तो नहीं करती, मगर उसे मन ही मन पता था मिस्टर फॉक्सवर्थ उसके जैसे लड़के को पसंद कभी नहीं करेंगे। तो वो मीटिंग को स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल ही रखती है, अपने तरफ से कोई इंटरेस्ट शो नहीं करती। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था मिस्टर फॉक्सवर्थ को ऐसी ही लड़की पसंद है। वो उसी रात ओलिविया को सबके सामने डेट पर जाने के लिए पूछते हैं। ओलिविया भी राजी हो जाती है और ऐसी शुरुआत होती है उनके रिश्ते की। इसके बाद कुछ दिन बिल्कुल सपने की तरह बीतते हैं। ओलिविया को तो यकीन तक नहीं हो रहा था, बहुत खुश थी वो, लेकिन प्यार में अंधे नहीं। जब मैल्कम उससे शादी के लिए प्रपोज करते हैं, वो जवाब देने से पहले उनके बारे में सारी जानकारी हासिल करती है। पता चलता है उनका प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, मगर पर्सनल लाइफ नहीं। उन्होंने कहा था जब वो सिर्फ 5 साल के थे, तभी उनकी माँ गुजर गई थी, जबकि ओलिविया को पता चलता है ये झूठ है, उनकी माँ कोरीन की मौत तो हाल ही में हुई है। वो अगले दिन ही डायरेक्टली मैल्कम को कन्फ्रंट करती है और उससे पता चलता है मैल्कम की माँ उसके 5 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गई थी, फिर कभी कांटेक्ट नहीं किया उससे। इसलिए मैल्कम ने ओलिविया से ऐसा कहा था क्योंकि उनके लिए कोरीन तो तब ही मर गई थी। इसे सुनने के बाद ओलिविया के दिल में शक की और कोई गुंजाइश नहीं रहती, वो तुरंत हाँ कर देती है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर दोनों की शादी हो जाती है। ओलिविया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, हर लड़की की तरह उसके मन में भी कई सारे सपने थे, अपने ससुराल को लेकर, अपने हनीमून को लेकर। मगर लंदन से वर्जीनिया की तरफ रवाना होते ही उसके सारे सपने एक एक करके बिखरने लगते हैं। मैल्कम का बर्ताव अचानक बहुत बदल जाता है, वो गाड़ी में ही उसे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने लगता है, एज इफ ओलिविया वहाँ कोई नौकरी करने जा रही हो। और जब वो अपने ससुराल को देखती है तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। अंधेरे में किसी भूतिया महल की तरह खड़ा था फॉक्सवर्थ हॉल, डार्क, ग्लूमी एंड क्रीपी, यही वर्ड्स आ रहे थे ओलिविया के दिमाग में। कोई घर इतना बेजान और डरावना कैसे हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से यूज्ड ओलिविया की आंखें कैंडल लाइट को हजम नहीं कर पा रही थी, गॉड नोज।
ओलिविया ऑलरेडी काफी घबरा गई थी, ऊपर से मैलकम भी उसे कुछ कहे बिना ही घर के अंदर चले जाते हैं, ना उसके लिए रुकते हैं, ना पीछे मुड़कर उसे बुलाते हैं, बस अपने सर्वेंट से कहते हैं उसका कमरा दिखा देने के लिए। एक नीला नाम की लड़की को ओलिविया के लिए अपॉइंट किया जाता है, जो आगे से उसका ख्याल रखेगी। वो ओलिविया को उसके रूम तक ले जाती है। वो देखती है उसका रूम बहुत ग्रिम एंड डल है, पूरे घर की तरह। देखकर लग नहीं रहा था ये कोई न्यूली मैरिड कपल का कमरा है। ओलिविया इन सब पर ध्यान नहीं देती, बल्कि वह खुद को प्रिपेयर करने लगती है अपने फर्स्ट वेडिंग नाइट के लिए। मैलकम कभी भी आते ही होंगे। इसी उम्मीद में ओलिविया पूरी रात बिता देती है। रात से सुबह हो जाती है, मगर मैलकम नहीं आते। इवन ब्रेकफास्ट भी ओलिविया को अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि मैलकम तो ऑलरेडी काम पर निकल चुके थे। ओलिविया को बहुत अजीब लगता है, बहुत लोनली फील कर रही थी वो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। इतने में मिसेस स्टेनर उसे इन्फॉर्म करती है कि मैलकम ने उसे कुछ दिखाने के लिए कहा है, ओलिविया को उसके साथ जाना होगा। ओलिविया जाती है और वो लोग घर के लाइब्रेरी में जा पहुंचते हैं। एक एवरेज रीडर के लिए इससे अच्छा वेडिंग गिफ्ट और क्या हो सकता है। ओलिविया तो बहुत खुश आ जाती है, मगर दूसरे ही पल में उसे पता चलता है मैलकम असल में उसे लाइब्रेरी नहीं, कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं, सिर्फ उसका ऑफिस दिखाना चाहता था, जहां से वो पूरे घर का काम संभालेगी। ऑफिस के नाम पे उसे एक छोटा सा एयर टाइट कमरा दिया गया था, जो ओलिविया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैलकम क्या मजाक कर रहा है? लेकिन वो मिसेस टेनर के सामने अपना डिसअपॉइंटमेंट शो नहीं करती, उनसे कहती है उसे इस घर के बारे में बताने के लिए, मगर मिसेस टेनर मना कर देती है। पता नहीं क्यों पहले मुलाकात से ही उसे ओलिविया पसंद नहीं आई थी, बात बात पे वो वही जता रही थी। मे बी इतने सालों के बाद घर में कोई फीमेल फिगर आने के कारण उन्हें डर लग रहा था कहीं उनकी अथॉरिटी ना चली जाए। ओलिविया नीला को बुलाती है और उसी के साथ हाउस टूर स्टार्ट करती है। इस ट्विन की तरफ जाने पर उन्हें कमरा दिखता है जिसके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। उसी कमरे से एटिक में जाने का रास्ता था। वही एटिक जहां हर परिवार अपनी सीक्रेट्स छुपा कर रखते हैं, पुरानी चीजें, पुरानी यादें जो वो नहीं चाहते और किसी के सामने आए। ओलिविया को तो यही जानना था, लेकिन नीला को ऊपर जाने का परमिशन नहीं था, तो उसे अकेले ही जाना पड़ता है। एटिक की हालत बहुत ही खराब थी, धूल मिट्टी से भरे पड़े थे सब कुछ। ओलिविया को एक टेबल दिखता है जिस पर लिखा था मैलकम वॉज हियर। एक मेकशिफ्ट क्लोजेट में मिलता है उसे, जिसमें बहुत सारे कॉस्टली ड्रेसेस थे, और मिलता है एक पेंटिंग, एक बहुत ही खूबसूरत लेडी की। उस पर कोई धूल नहीं थी, तो जरूर ये वही होगी, मैलकम की माँ कोरीन फॉक्सवर्थ। मैलकम जरूर यहाँ आता होगा हर रोज। उस एटिक से ओलिविया को इतना नेगेटिव वाइब आ रहा था कि वो ज्यादा देर वहां रुक नहीं पाती, भाग कर नीचे आ जाती है, मगर नीला के बिना रास्ता भटक जाती है और एक कमरे में जा पहुंचती है। ये कमरा कोरीन का था, जिसे मैलकम ने पिछले कई सालों से एज इट इज रखा था। ओलिविया को इस कमरे में देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उस पर चिल्लाने लगते हैं, बहुत ही इंसल्टिंगली उसे निकल जाने के लिए कहते हैं। मगर ओलिविया को इस परिवार के बारे में जानना था, इसीलिए वो हार नहीं मानती, बातों बातों में मैलकम को कन्विंस कर ही लेती है, और इस बार खुद मैलकम उसे कमरे में ले जाता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं अपने माँ के प्रति मैलकम का बर्ताव काफी वियर्ड है। एक तरफ वो उनकी बुराई कर रहा था, तो दूसरी तरफ तारीफ भी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑब्सेस्ड हो अपने माँ से, एक ही साथ उनसे प्यार करता है और नफरत भी। इस पॉइंट पे ओलिविया अपने पति को किस करने की कोशिश करती है, उसे लगा था ये बहुत नॉर्मल है, मगर मैलकम ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने बहुत ही बड़ा पाप किया हो। बहुत ही डिस्गस्टेड वे में वो ओलिविया को अपने कमरे में वापस जाने के लिए कह देता है। ओलिविया ऐसे रिएक्शन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, ऐसे ह्यूमिलिएशन उसने पहले कभी फेस नहीं किया, ना कभी उसे इतनी शर्म आई। वो समझ नहीं पाई क्यों, उसकी गलती क्या थी, लेकिन वो फिर से ट्राई करती है। उसे कुछ भी करके मैलकम का दिल जीतना ही था, तो वो वेडिंग पार्टी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है। डेकोरेशन से लेके मेन्यू तक हर एक चीज खुद सुपरवाइज करती है, बहुत एफर्ट डालती है जिससे कहीं कोई कमी ना रह जाए। वो इस घर को बदलना चाहती थी, इस बेजान खंडन में जान डालना चाहती थी, वो इस तरह से सजाना चाहती थी जिससे इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी सिंपल कैंडल लाइट में ही सब कुछ शाइन करे, ऑफ कोर्स इन अ डिसेंट वे।
देखते देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं और वो दिन आ ही जाता है जब मैलकम उसे अपने कम्युनिटी के सामने प्रेजेंट करने वाला था। अपने प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं रखती ओलिविया। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग न्यू ड्रेस सटल ज्वेलरी में सजाती है खुद को। वो श्योर थी इसमें मैलकम कोई फ्लॉस निकाल ही नहीं पाएगा, मगर होता कुछ और ही है। मैलकम को कुछ भी पसंद नहीं आता, सब कुछ बेकार लगता है उसे। सबके सामने तो वो कुछ नहीं कहता, मगर पर्सनली ओलिविया को फिर से एक बार उसके ह्यूमिलिएशन का शिकार बनना पड़ता है। उसके नजर में ओलिविया किसी प्रोस्टिट्यूट की तरह लग रही थी और डेकोरेशन भी 3rd क्लास ही थी। अपने लाइफ में कभी ओलिविया ने इतना ब्रोकन फील नहीं किया था। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो बस पार्टी खत्म होने का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही वो होता है सारे गेस्ट वापस चले जाते हैं, ओलिविया अपने कमरे में आके रोने लग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये उसने किससे शादी की, कैसे एडजस्ट कर पाएगी वो मैलकम के साथ। मगर उसे पता नहीं था ये बस शुरुआत है, मैलकम का असली चेहरा तो अभी तक उसने देखा ही नहीं था, जो बहुत ही भयानक है। उसी रात मैलकम उसे खींच कर घसीटते हुए अपने माँ के कमरे में ले जाता है और उसका रेप करता है। जब ओलिविया उसे रोकने जाती है, चिल्लाती है, मैलकम उल्टा उसका मुंह बंद कर देता है। उसे ओलिविया के तकलीफ से कोई मतलब नहीं था, जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। ओलिविया उसी वक्त डिसाइड कर लेती है कि वो घर लौट जाएगी, यहाँ इस हैवान के साथ रहना तो इम्पॉसिबल है। तो वो नीला से कहकर सारा सामान पैक कर लेती है और उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहती है। सब कुछ प्लान वाइज चल रहा था। मैलकम के निकलते ही वो लोग निकलने वाले थे, मगर ठीक उसी वक्त ओलिविया का कजिन एमोस आ पहुंचता है उसके घर। वो काफी परेशान दिख रहा था, स्पेशली इसलिए क्योंकि उसके रिपीटेड टेलीग्राम्स के बाद भी ओलिविया ने रिप्लाई नहीं दिया था उसे। अब ओलिविया जवाब तो तब देगी ना जब उसे वो टेलीग्राम्स मिलेंगे, वो सब तो मिसेस स्टे ने छुपा देती थी। एमोस से ओलिविया को एक बहुत बुरी खबर मिलती है, उसके पिता मिस्टर विनफील्ड और नहीं रहे। कुछ दिन पहले अचानक ही उनकी मौत हो गई और उनके साथ साथ उनका बिजनेस भी खत्म हो गया। किसी को पता नहीं था वो कर्ज में डूबे हुए थे, इवन उनका घर भी गिरवी था। मतलब ओलिविया के पास जाने की और कोई जगह नहीं बची, यहीं पर घुट घुट कर मरना होगा उसे। उसे समझ नहीं आ रहा था किसके लिए ज्यादा दुख होना चाहिए, अपने पिता के लिए या फिर अपने लिए। एमोस तो निकल जाता है और ओलिविया रह जाती है इसी नरक में। अपने ही घर में ट्रैप्ड हो चुकी थी वो। हर रात उसके साथ वही हादसा रिपीट होता रहता है। उसके मर्जी के बगैर ही मैलकम उसे यूज करता रहता है, मगर वो प्रोटेस्ट तक नहीं कर पाती। वो समय ही कुछ ऐसा था, पत्नी के शरीर पर उससे ज्यादा उसके पति का हक होता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ओलिविया को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। इस बात से मैलकम बहुत खुश हो जाता है। उसे सालों से एक बेटी जो चाहिए थी, जिसका नाम वो रखेगा कोरीन, अपने माँ के नाम से। मगर ऐसा होता नहीं, 9 महीने बाद ओलिविया एक हेल्थी बेबी बॉय को जन्म देती है। वो तो बहुत खुश थी, मगर मैलकम नहीं, उसे बस एक लड़की ही चाहिए थी। तो वो डिलीवरी रूम में ही डॉक्टर से पूछ लेता है 2nd इश्यू के लिए वो कब ट्राई कर सकता है। ओलिविया को खराब लगता है, ह्यूमिलिएटेड फील होता है फिर से एक बार, लेकिन वो चीजों के ब्राइट साइड पर फोकस करना ज्यादा पसंद करती थी। माँ बनने की खुशी तो उसे भी होगी, इसलिए वो मना नहीं करती। दोनों फिर से एक बार ट्राई करते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर ओलिविया फिर से एक बच्चे को जन्म देती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी एक बॉय ही था। इस डिलीवरी के बाद डॉक्टर ओलिविया से कह देते हैं कि वो फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी, मगर मैलकम का डिमांड तो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, उसे बेटी जो नहीं मिली थी। तो वो बहुत ही ज्यादा बिट्रेड फील करने लगता है, ओलिविया को कोसता है और उसका सारा गुस्सा जा गिरता है इन दो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। वो इन अ वे उन्हें अपनाने से ही इनकार कर देता है, लेकिन ओलिविया के लिए तो ये दोनों ही उसके सब कुछ थे, उसके जिंदा रहने की वजह। इसके कुछ दिन बाद अचानक मैलकम को खबर मिलती है उसके पिता मिस्टर गार्लैंड फॉक्सवर्थ घर लौट रहे हैं, वो भी अपने न्यू वाइफ के साथ। वो अपने रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड टूर पे निकले थे, वहीं जरूर किसी लड़की से उनकी मुलाकात हुई होगी। मैलकम इस न्यूज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन यही इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट बन जाता है। कुछ दिन बाद जब गार्लैंड अपने पत्नी अलीशिया के साथ घर आ पहुंचते हैं, सबसे पहले मैलकम की ही नजर पड़ती है उसके ऊपर। अलीशिया उम्र में ओलिविया से काफी छोटी थी और उससे कई गुना खूबसूरत।
किसी को तो समझ ही नहीं आ रहा था गार्लैंड को इतनी खूबसूरत बीवी मिली कहाँ से, वो भी इस उम्र में। ऑलरेडी 2 साल हो चुके थे उनके शादी को, मगर अभी भी उनका हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ था। दोनों रात में एक ही रूम में सोते थे और उनके हनीमून वाली किस्से सुनते सुनते तो ओलिविया को लिटरली रोना आ जाता था। ना कभी वो कहीं घूमने गई, ना कभी मैलकम ने उससे प्यार किया, ना कभी प्यार से कुछ बोला। एलिशा कितनी लकी है, गार्लैंड उसका कितना प्यार और सम्मान करते हैं, और ये मैलकम, वो तो अपने पत्नी को नौकर समझता है। एलिशा की खुशी ओलिविया के आंखों में कांटों की तरह चुभने लगी थी, मगर उसे पता था कि उसे ऐसे ही जीना है, तो वो फिर से अपना ध्यान अपने बेटों की तरफ शिफ्ट कर देती है और धीरे धीरे एलिशा के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। उसका बर्ताव इतना अच्छा था कि ओलिविया ज्यादा दिन खुद को दूर नहीं रख पाती। एलिशा में उसे एक दोस्त मिल जाती है जिसके साथ वो अपने लोनलीनेस को बांट सकती थी। कुछ ही दिनों के अंदर एलिशा एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है क्रिस्टोफर। गार्लैंड को अपने बेटे को गोद में लेते देख ओलिविया को बहुत खराब लगता है। उसके बेटे को कभी अपने पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ, ना कभी होगा। लेकिन वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण कभी भी अपने साथ एलिशा की दोस्ती खराब करना नहीं चाहती थी। उसी के खुशी में खुश हो जाती थी वो, इतनी काइंड हार्टेड थी ओलिविया। मगर उसे पता नहीं था इस घर में किसी और का भी एलिशा के प्रति लगाव बढ़ रहा था, मैलकम का। इसकी खबर उसे नेला देती है, ओलिविया को अपने पति पर नजर रखना चाहिए। उनकी ये कन्वर्सेशन मिसेस टेनर सुन लेती है एंड एज द रिजल्ट नेला की नौकरी चली जाती है। पता नहीं इस टेनर की क्या प्रॉब्लम थी, उसे ओलिविया की खुशी सहनी नहीं होती थी। मगर नेला की बात कितनी सही थी इसका सबूत ओलिविया को उसी रात मिल जाता है जब उसे एलिशा के कमरे से उसकी चीख सुनाई देती है और जाके चेक करने से उसे दिखती है गार्लैंड की लाश। मैलकम भी वहीं पर था, उसके हाथ पे स्क्रैचेस थे और एलिशा लाश के सामने बैठे रो रही थी। देखने से ही पता चल रहा था ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, मगर मैलकम के कहने पर ओलिविया डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है ऑटोप्सी ना करने के लिए। फॉक्सवुड फैमिली के रेपुटेशन का सवाल है। डॉक्टर का मुंह तो ओलिविया पैसों से बंद कर देती है, मगर एलिशा का दुख उससे कम नहीं होता, बल्कि उसकी सफरिंग्स और बढ़ जाती है। वो खाना पीना सब छोड़ देती है, कमरे में बंद कर लेती है खुद को। ओलिविया समझ नहीं पाती क्यों, 4 महीने हो चुके थे, उसे तो खुद को संभाल लेना चाहिए था, एटलीस्ट क्रिस्टोफर के लिए। तो एक दिन वो एलिशा से बात करने जाती है और उससे एक भयानक सच का पता चलता है। बात यह थी कि उस दिन गार्लैंड का खून मैलकम ने किया था। वो उस रात एलिशा का रेप करने गया था, गार्लैंड उसे रोकने गया तो बेचारे को मरना पड़ा। और तो और मैलकम उस हादसे के बाद में नहीं रुका, हर रात वो एलिशा का रेप करता रहा, ठीक जैसे ओलिविया का करता था, कुरीन के कमरे में ले जाकर। ओलिविया एलिशा की हालत समझ पा रही थी तो वो उसे इस घर से निकल जाने की सलाह देती है। वो तो उसकी तरह ट्रैप नहीं है ना यहाँ पर, वो यंग है, रिच है, वो अपनी जिंदगी फिर से नई तरीके से शुरू कर सकती है। मगर एलिशा राजी नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, वो प्रेग्नेंट थी और इस बच्चे का बाप मैलकम था। इस बात को सुनने के बाद ओलिविया का दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मैलकम ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। वो डिसाइड कर लेती है इसका बदला वो जरूर लेगी, मैलकम को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर वो सिर्फ रिवेंज नहीं होगा, उसके इस कमजोरी को यूज करके वो उसे अपने मुट्ठी में कर सकती है, अपने सारे ह्यूमिलेशन का बदला ले सकती है और अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर सकती है। सबसे पहले ओलिविया नेला को खबर भेजती है फॉक्सवर्थ हॉल में वापस आने के लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है नेला की एक बेटी भी है सीलिया, जिसे वो सबसे छुपा कर रखती है। अब इससे स्टोरी का क्या कनेक्शन वो तो हमें बाद में पता चलेगा, बट फॉर नाउ हम देखते हैं ओलिविया उसी रात मैलकम को कन्फ्रंट करती है रेप के बारे में, जिसे मैलकम विदाउट एनी हेजिटेशन एक्सेप्ट भी कर लेता है क्योंकि उसे किसी से कोई डर नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस एक बेटी चाहिए थी। मगर ओलिविया उसे गार्लैंड के खून को लेकर ब्लैकमेल करने लगती है और सच्चाई छुपाने के बदले अपने कुछ कंडीशंस रखती है उसके सामने। एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे सबका भला हो। उसका प्लान था एलिशा के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना और उसे आज़ाद कर देना।
कुछ ही महीनों के अंदर उसका बेबी बम्प दिखने लगेगा, सबको पता चल जाएगा उसके प्रेगनेंसी के बारे में। इससे बचने के लिए कल सुबह ही अलीशा सबके सामने अपने घर वापस चली जाएगी और देर रात सबके सो जाने के बाद वो फिर से फॉक्सवर्थ हॉल में लौट आएगी। अगले 9 महीनों के लिए उसका ठिकाना होगा वेस्ट विंग का वो कमरा जहाँ कोई नहीं जाता, वहीं पर वो रहेगी। ओलिविया और नेला उसकी देखभाल करेंगे और बच्चे के जन्म के बाद वो बच्चे को हैंडओवर करके सच में ही इस घर से चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। मगर मैलकम को कंपनसेशन देना होगा, क्रिस्टोफर को उसका हिस्सा तो मिलेगा ही, इवन एक्स्ट्रा भी मिलेगा इस बच्चे के लिए। साथ ही साथ मैलकम को अपने 2 बेटों के नाम ट्रस्ट फंड भी जमा करना होगा $2 million ईच, जिससे उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो फ्रीली जी सके अपनी लाइफ, अपने माँ की तरह उन्हें इस हैवान के इशारे पे नाचना ना पड़े। साथ में ओलिविया वार्न भी करती है अलीशा के कमरे की चाबी उसके पास रहेगी। इन 9 मंथ्स में अगर मैलकम ने कभी भी उसके कमरे में जाने की कोशिश भी की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, जलाकर राख कर देगी वो सब कुछ। मैलकम के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे राजी होना ही पड़ता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती। दोस्तों आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी, ट्रस्ट मी इससे आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा इंटेंस है, तो देखना भूलना मत। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं एपिसोड 2 द मदर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।